अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको खैर व अमान में रखे रब्बुल आलमीन। आज मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ कि आजकल मैं खाना ज़रा कम बना रही हूँ। मेरी वालदा की बहुत तबीयत ख़राब है, उसमें मैं लगी रहती हूँ। बस मेरे से दिल घबरा रहा था तो मैंने सोचा चले मैं चांदनी चौक पर ही हमारा गुरुद्वारा है तो मैंने यहाँ गई थी तो मेरी बेटी मेरे पीछे थी। कहने लगी चलिए अम्मी आज मैं वीडियो बना देती हूँ गुरुद्वारे की, ये डाल लें खैर के साथ। आप सब खैर के साथ रहें, अल्लाह तुम आपको सलामत रखे। ये देखिए मेरा अब मेरी वालदा की दुआ करें। आजकल बस मुझसे बात भी नहीं हो रही है। मैंने कहा चलो गुरु जयंती का मौका था, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं करते माशाल्लाह। हम यहाँ रहते हैं चांदनी चौक पर, मैं आती हूँ अक्सर, आती रहती हूँ, हमारे तो घर के बहुत करीब है चांदनी चौक। बच्चों को लेकर टहलाने आती रहती हूँ तो आज मैंने कहा चले अंदर जाके देखती हूँ बच्चों को लेकर। बहुत अच्छे से पेश आते हैं, आइए आपा जी, आइए बहन जी, बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग जो है। सरदार जी बहुत अच्छे हैं, सारे सरदार सारी बहनें भी, उनसे मेरी बात हुई, कहने लगी आप। मैंने कहा हाँ मैं आती रहती हूँ, बहुत अच्छे से बातचीत होती है। हमारे में कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं। हम कभी हिंदुओं की दुकान पर भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, सब जाते हैं, कहते हैं आइए बहन जी, आइए आपा जी, क्या चाहिए। इस तरीके से हमें जाती रहती हूँ तो बहुत अच्छे से सब हम मिलजुल के रहते हैं। और चांदनी चौक में ही रहते हैं हम, बल्ली मारान में रहते हैं ये लोग। ये गुरुद्वारा चांदनी चौक पर ही, देखे मेरे साथ होते थे तो बहुत अच्छे, सब ने इनको गिफ्ट दिए, कोई ट्रॉफी देते हैं कुछ देते हैं, तो इसलिए देखे कितने अच्छे से। मैं फिर ऊपर भी गई, जरा मेरा दिल घबरा था, अच्छी ठंडी हवाएं चल रही थी। टोपी तोड़ के आए नहीं तुम, टोपी तोड़ के आते घर से। सल्लू फतरी बन रही इधर से नहीं ना, अरे बंद कर दिया, सब्जी कट रही है ना, उधर से जाना पड़ेगा। सब्जी ले लेते, सब्जी बनाते हैं इनका जी, सब्जी बांटने का सी बांट। मैं बता नहीं सकती, मैं किस चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकती। इन लोगों की सफाई, इतनी सफाई है कि बता नहीं सकती। बहुत अच्छे से सफाई थी, इतनी सफाई थी। मैं पहली बार अंदर गई थी ऊपर इनके, जहाँ इनका इनका जी गुरुद्वारे के अंदर जहाँ इनके बैठते हैं सब गुरु नानक की वो है तस्वीर में, वहाँ गई अंदर गई बच्चों को लेके, बहुत अच्छे से बैठे, किसी ने किसी को नज़र भर के नहीं देखा। आइए बहन जी बैठिए, बहुत सफाई है अंदर, बहुत सुथरा, आइए बहुत इज्जत से बिठाते हैं। चप्पलें ली एक बहन ने तो, चप्पलें ली मैंने देखा, मेरी इतनी खूबसूरत लड़की, मैंने उनसे बात करी, क्या देखा उन्होंने चप्पलें जमा कर रही हैं। मैंने कहा माशाल्लाह इतनी प्यारी लड़की थी वो बच्ची, अल्लाह उसको सलामत रखे, बहुत अच्छी लड़की थी। मैंने उन्होंने, हमारे यही होता गुरुद्वारे जाते तो चप्पल लेके पर्ची दे देते, फिर मैंने तहा से भी दिखाया अपने नपोते में, देखे इतनी प्यारी बच्ची, इतनी खूबसूरत उनकी जो भी थी उनके घर की कोई भी सदस्य थी, मगर इतने अच्छे से उन्होंने चप्पल दी थी। मैंने देखा कि इतनी अच्छी बच्ची
हमारे लोगों की सबकी चप्पल उठा रही, बिना भेदभाव के सेवा कर रहा, जो उनके यहाँ सेवा में लगी रहती है, जवान कुंवारी बच्ची, और इतने से चप्पलें उठा के उनने ऐसी इज्जत से रखी, फिर हमें ऐसी इज्जत से दी, मैंने के देखे, और मैंने इतनी सफाई है इन लोगों के यहाँ भी, इतने लोग आते जाते हैं इनके यहाँ, पैर धोना, पैरों को धुलवाना, सब खिलाना, खाना देना, लंगर देना, कोई भी वो नहीं है। देखे बाहर का हिस्सा, मैं इधर की साइड में खड़ी हूँ, ऊपर बालकनी में खड़ी होकर मैंने कहा चले, और इतने अच्छे से उनकी साफ़ सुथराई, बहुत अच्छा, कोई इनके भेदभाव नहीं, जाके इतना अच्छा लगा कि हर जगह आप जा सकते हैं, आप अजमेर भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, आप इस नियत से जाए ना, देखने की नियत से हर जगह जा सकते हैं, ये नहीं कि हम तो देखने की नियत से जाते हैं हर जगह। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हर जगह है, अल्लाह ये नहीं कि अल्लाह कहीं गुरुद्वारे आए या मंदिर, अल्लाह हर जगह है, ये सोच के कि अल्लाह के सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है, हर नेमत अल्लाह की, सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है, बहुत सकून है यहाँ भी, बहुत साफ सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं ये लोग। चलो ये हमारा बाजार, ये देखिए सामने इनका ये है, ये देखिए आज नीचे दुकानें लगी हुई हैं, नीचे से दुकानें, तो ऐसे आम दिनों में नहीं होती,